तकदीरों का हिसाब मैया तेरे पास। थैंक यू सो मच सर, सच एन अमेजिंग 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 सॉन्ग। मतलब मैं आपकी आपकी वॉइस की डायमंड फैन हूं, मतलब बचपन से वो एक गाना ऐसी लाती लगे दिल हो गई मगन, तब से सुनते आ रहे। इवन हमारे पेरेंट्स को भी पता लगा ना कि आज अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, तो वो वेरी एक्साइटेड कि हम लोग भी देखेंगे आज की लाइव को, हम भी देखने वाले हैं। सो सर मैं आपसे एक छोटा सा कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप बिग बॉस में थे, हां हां पूछे, आपकी बिग बॉस की जर्नी कैसी रही थी? एक भजन सम्राट और भजन सम्राट की थी कमाल की जर्नी थी। मुझे आप बताइए, अगर आप चलना चाहती हैं तो हम नेक्स्ट टाइम दोनों साथ में जाते हैं। हाँ जी, अगर आप चलना चाहें तो हम नेक्स्ट टाइम साथ में जाएं, बहुत मजा आया था वहाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। मुझे बार बार बुला रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अगर आपका मन है चलने का तो हम चलें। हाँ जी, अच्छा अच्छा, अभी नहीं आ रही है? हाँ, अब थोड़ा तो थोड़ा फिर से ज्वाइन होते हैं आप। जी 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 जी। तो अनूप सर, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ। आप जैसे भजन सम्राट पद्मश्री से नवाजे हुए हैं, और एक इंडस्ट्री अलग है, एक आपकी डिवोशनल इंडस्ट्री है, और बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है, दोनों में आप कैसे मेल मिलाप बिठाया आपने? क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल होता है एक रिलीजियस पर्सन और एक लड़ने वाले लोगों के बीच में जाने का मकसद, तो आपने कैसे कैसे करा? मैं तो उन लोगों का शुद्धिकरण करने गया था वहाँ, सबको शुद्ध करके आ गया। उन लोगों को शांत शांत बना के आ गया, उनके अंदर अच्छे भाव जगा के आ गया। और अच्छा अनूप सर, आज है ना हमारे साथ में यहाँ पे एक पर्सन है जो आपके साथ मिलना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उनको थोड़ी देर के लिए लाइव पे कनेक्ट करूंगी, वो आपको बहुत दिल से मानते हैं, और उनसे करेंगे, उनसे मैं हेलो करके उनसे बात करके हमें अनूप सर के साथ में मिलना है, बात करनी है। हाँ हाँ जी, करा दिया। हम उनसे बात करके फिर चले जाएंगे, क्योंकि हमको एक पार्टी में जाना है, वहीं हम पहुंच गए हैं, तो उनसे हेलो करके फिर हम चले जाएंगे। बुलाइए उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है दीपक कलाल को। आपने नाम सुना ही नहीं होगा, अगर आपने नहीं भी जानते तो वो तो आपको इतना डाई हार्डली फैन फॉलो करते हैं। और ये मैं आज बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि हैं आज हम इंडिया के भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ हैं, और उन्हें जो अवार्ड मिला है पद्मश्री अवार्ड, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड का बहुत महत्व होता है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने बड़े भजन सम्राट के साथ बैठा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है इनके साथ मिलने के बाद मेरी इमेज चेंज हो जाएगी, क्योंकि अनूप जी को सब लोग बहुत डिसेंट और अच्छा मानते हैं। मैंने इनको बिग बॉस शो में देखा, वहां पे भी इन्होंने अपने इस अच्छी प्रतिमा को कायम रखा, क्योंकि बिग बॉस शो ऐसा है जहां पे लोगों के निगेटिव प्रतिमा उभर कर आती है, लेकिन सब लोगों ने अनूप जलोटा जी को बहुत प्यार किया, और इसीलिए मैं अनूप जलोटा जी को पप्पी दूंगा। और मैं चाहूंगा कि अनूप जलोटा जी हमारे लिए उनका सबसे फेमस गाना ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन गाएं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगे, महलों में कली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वाह, क्या इसमें डांस किया, क्या एक्टिंग की, वाह वाह वाह। आपके भजन जो है हम सुनते आ रहे हैं, और मेरी माँ सिर्फ इनके ही भजन सुनती थी, पूरा दिन पूरे दिन मेरी मम्मी इनके ही गाने सुनती थी, और भजन एक ऐसी चीज है
जो हमें एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है। रात हम तब सुनते हैं जब हम खुश होते हैं, लेकिन जब भी हमें भगवान की याद आती है तो भजन एक ऐसा रास्ता है जो हम दोनों की कड़ी बनता है, बुआ बनता है। और तुम्हें पता है ये रास्ता हमें कौन दिखाता है? अनुप जनोटा जी। जी जी जी, थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने यहाँ कनेक्ट किया। थैंक यू थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके और इस प्रोग्राम में हम फिर जुड़ेंगे। मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं अभी अगले प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम में पूछ लीजिएगा, एक दिन फिर निश्चित करेंगे। आज मुझे बहुत काम है, अभी मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर आपके प्रोग्राम में आऊंगा और फिर बात करूंगा। और मैं भी आऊंगा ताकि मैं अनुप जनोटा जी को मिल सकूं, और मेरे मम्मी को भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा। आप भी आइएगा, लेके आइएगा। ओके जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, यहाँ पे आप कनेक्ट करें हमारे साथ में। दीपक जी तो हमारे साथ में है ही यहाँ पे। दीपक जी, अनुप जी से बात करके कैसा लग रहा? मैम मैं तुम्हें कहूँ, आज वो इतने बड़े बड़े हैं और उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया दीपक कलाल नाम से, मेरे लिए ये बहुत ही फक्र की बात है। जब मैं मेरे मम्मी को कहूंगा कि अनुप जलोटा जी मुझे मेरे नाम से जानते हैं, तो मेरे मम्मी को बहुत खुशी होगी कि इसने इतना अच्छा बच्चा प्रोड्यूस किया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपको पता है दीपक जी, आज का दिन इतना ज्यादा खास है ना, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि अनुप सर से बात करेंगे। मैं बहुत छोटी सी ना उनके गाने सुनती आती थी, आज एक्सट्रीमली मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं उनको देख पा रही हूँ, उनसे बात कर पा रही हूँ। और एक तरह से सपना ड्रीम कम ट्रू होता है ना। अनुप जलोटा जो है उनके गानों में जो मिठास थी, बोलिए 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 दीपक जी बोलिए। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो लाइव है इसको मैं भी शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो लाइव है ये मेरे इमेज में चार चांद लगा देगी और लोग मुझे एक डिसेंट रूप में जानेंगे। बिल्कुल, आपको आपको पता है कि अनुप सर अगर अभी हमारे साथ में स्वैग के बाद भी हो चुके हैं और हमारे स्वैग को एक स्वैग को ये अपने साथ में प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय कम था हाँ इनके साथ इनके पास में, और वेरी सून इनके पास में जब हमारे लिए थोड़ा सा टाइम और होगा तो ये जरूर हमारे साथ में स्वैग से रिलेटेड ज्यादा बात करेंगे। और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड। क्यों होती है एक अलग से कि आप सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं हमारे साथ में, हमारी फैमिली के साथ दिन पे दिन जुड़ते जा रहे हैं, हमारी फैमिली स्ट्रांग होती जा रही है। तो दीपक जी, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आपका एक उन लोगों के प्रति नजरिया आपका बदल गया है, एक तरह से आपको एक अच्छा इंसान के रूप में देखने लगे। और बहुत बड़ी, और मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी, और उनका वो जो गाना है उन्होंने जो सुनाया उससे मैं बहुत खुश। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बहुत खुश हूँ। हमको चाहा अंतर क्या दोनों की, चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की, चाह में बोलो एक प्रेम दी। Thank you.
हमें लस्सी पी रहा है, देखो लस्सी पी रहा है बहुत शौक से। हाँ चल बस हो गया, एक प्रेम दीपनी एक